स्टैचू यहाँ से ऑन होता है। okay. चुच है वो कहाँ गया? मतलब अपन तो उसको छोड़ के आए थे ना। हमने उसको ठिकाने लगा दिया क्योंकि वीर को इस लड़की से शादी करनी थी, वो भी हो गई। अभी तुम तुरंत चुप रहो। दीवारें साफ हो गई दक्ष भैया? यस मैम। क्या बात है, तुम लोग इस काम के लिए भी हो। वेरी गुड, क्या बात है, अमेजिंग घरवाली, क्या बात है। लेकिन अब एक काम करो, इन्हें छुट्टी दे दो। कम ऑन गाइस, गो गो। इन्हें छुट्टी दे दो घरवाली। ओके, ठीक है, दे देती हूँ इनकी छुट्टी, तो तुम काम पे लग जाओ। एक्सक्यूज मी, ये लो एक्सक्यूज, बाल्टी लो। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा क्या कहा? जोर से, ऊंचे से, सुनाई दिया मुझे। क्या अब सुनाई देगा? मैंने कहा कि बाल्टी लेके जाओ ऊपर, गंदा पानी फेंको, साफ पानी लेके आओ अभी, वरना ये गंदा पानी तुम्हारे सर पे डाल दूंगी। कितनी आसानी से कैसे मान गया? आपने बुलाया मैम? हाँ, मुझे वो पूछना था कि आप रोज सुबह क्या नाश्ता बनाते हैं? क्या हुआ डैडी जी? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप लोग नाश्ते में रोज क्या खाते हैं। आप जो बोलेंगे मैं वो बनवा दूंगी। तुम्हें जो खाने का मन हो वो बना लो, हमसे क्या पूछती हो? अच्छा ठीक है, तो मैं पराठे बनवा देती हूँ, पराठे बना दीजिए। ठीक है। क्या बात है, कल पूल आज बाल्टी। पता है पानी से कोई खास रिश्ता है हमारा। ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझ के किया ये। ओह नो 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 नो, ये पूरा आइडिया तुम्हारा था। क्रेडिट मैं तुमको दे रहा हूँ। वैसे नहाने के बाद क्या निखर रही हो। इधर आओ, कम कम कम, अरे इधर आओ, कम कम। वो देखो, रियल ब्यूटी, किलर ब्यूटी। तो ये है वो लकी गर्ल। The beautiful wife. अरे मयूरी, आओ। हाय अंकल। हाय वीर। ये क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था तुम्हें शादी करनी है, वरना मैंने रिजेक्ट थोड़ी किया था तुम्हें। तो तुमने इससे जाके शादी कर ली। I mean seriously, look at her. कौन से एंगल से बीवी और कौन से एंगल से कचरा समझ ही नहीं आ रहा है। All in one, हाँ? तो तुम इसे देख के कैसे अट्रैक्ट हो गए वीर? क्या करें? मक्खियाँ अक्सर ऐसी चीजों को देख के अट्रैक्ट होती हैं। Oh good, she accepted she's कचरा। मैंने ये एक्सेप्ट किया कि तुम्हारा जो ये दोस्त है, वो मक्खी है, जो गुड़ को देख के अट्रैक्ट हो गया। Meet Mrs. मक्खी, घर वाली, और ये है बाहर वाली। from New York. हम छुट्टियों में मिले थे. Remember Veer? Our parties, wild party. क्या बताओ तुम्हें, हमने कितने मजे किए. तुम मत बताओ ना, क्योंकि मैं तुम्हारा मजा किरकिरा कर दूंगी. माहिर हूँ मैं उसमें. सनी, अंकल, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रुको. ये तुम्हारे घर है. थैंक यू. तपिश, इनके रहने का इंतजाम करो. जी शुक्ला. Yes, तो ये घर मेरा है, तो मैं वो रूम ले लूं जो बाथरूम के पास है. गेस्ट रूम परफेक्ट है तुम्हारे लिए. चाचू, एक काम करो, घर का केबल कटवा दो, क्योंकि अब घर में फेक का एंटरटेनमेंट होने वाला है. कैट फाइट. यहाँ ये मेरा कमरा है. ओह सॉरी, वो एक्चुअली इस कमरे में इतनी बार सो चुकी हूँ ना कि सब अपना सा ही लगता है. वीर भी. तब हमारी लाइफ बहुत अलग थी. जब वही जिंदगी बदल जाए तो हमें भी उसके हिसाब से बदलना पड़ता है. लगता है बहुत जल्दी बदल गई तुम. I mean, एडजस्ट हो गई. वैसे इस घर में तुम अकेली औरत हो, इसको लेकर तो एडजस्ट हो गई हो ना? ओ कम ऑन, इस बारे में तो एटलीस्ट सोचा होगा कि इतने बड़े घर में एक भी औरत क्यों नहीं है? शायद इस घर को औरतें पसंद ही नहीं है, सिवाय मेरे. Anyway, darling, अब एक सेकेंड भी और यहाँ रही ना तो तुम्हारी इस बदबू से मैं बेहोश हो जाऊंगी. हाय. ये क्या था अचानक से इस मयूरी की छोटे? ये क्या दिखा मुझे? हे भोलेनाथ, मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा करने जा रही थी. उन सबका अंत, जैसे मैंने आपसे वादा किया था. उस चील ने मेरे जय का खून कर दिया और अब मैं उसकी पत्नी हो गई हूँ. मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस वक्त मुझे यही करना बिल्कुल सही लगा. उन चीलों के घर में घुस के उनका अंत करने का यही एक रास्ता दिखा. लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां मेरा कोई एक नया दुश्मन है जिसे मैं पहचान नहीं पा रही हूँ. काश आप मुझे बता पाते, काश मैं आपकी सुन पाती. अपनी अंतरात्मा की सुनो बेटा. पहचाना हमें. उन्होंने तुम्हें सबसे पहले इच्छाधारी नागिन बनाया. इसका मतलब है तुम सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन बन गई. पंडित जी, पंडित जी, आप तो मुझे बता सकते हैं ना कि मैं क्या करूं? जय की मौत मुझसे पहले कैसे हो सकती है? बताइए ना, ये सब क्यों हुआ? आदि नागिन, आपने उस चील से विवाह करके इतिहास बदल दिया. तो इसके आगे क्या? ये तो भोलेनाथ ही बता सकते हैं.